छतों पे कुछ घर का चावल वावल बच जाता है तो बाजरा वाजरा डाल दिया करें इन लोगों के लिए भी यार, तो माशाल्लाह दुआ हुआ मिल जाया करेगी। और क्या होगा, बस दिल के सुकून के लिए नेकी के उससे डाल दे करें, सवाब की नीयत से डाल। अगर आप डाल दें आधा पाव से कम लाल वाली बारीक अंगी डाल दें, ये दो मिक्स कर लिए आपने। अब आप अच्छे से अच्छा बाजरा ले लें, अच्छे से अच्छे बाजरे का मकसद ये है कि घिरे पेरिट ले लें। या अंदर बैठा हुआ अंदर और फीमेल बाहर है, साइज देख लें माशाल्लाह से, कलर देख लें माशाल्लाह से, बिल्कुल चमकदार। ये पेयरिंग मैंने अभी दूसरी जगह से उठा के लाया हूँ, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब मैंने कहा था आपसे मैं अगली वीडियो जो लाऊंगा वो लेडी गोल्डन के दाने के ऊपर लाऊंगा, वो लेडी गोल्डन का दाना आपको मैं बताऊंगा और के इतना बेहतरीन दाना बताऊंगा आपको। तो इंशाल्लाह आप ये देख लीजिएगा कि आपके जो गोल्डन है उनका कलर, उनकी चमक और उनकी ब्रीड में कितना फ़र्क पड़ेगा ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो पहले आइए मैं अपने गोल्डन दिखाता हूँ। पहले मैं आपको जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है वो लेडी गोल्डन के दाने के ऊपर होगी। तो लेडी गोल्डन का जो दाना है ना वो आपको मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, जरा मैं अपने गोल्डन दिखा दूँ आपको ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जी कितना ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है लेडी गोल्डन के दाने से। दाना अच्छा होना चाहिए। अभी देख लें नर बैठा हुआ है अंदर और फीमेल बाहर है, साइज़ देख लें माशाल्लाह से, कलर देख लें माशाल्लाह से, बिल्कुल चमकदार। ये पेयरिंग मैंने अभी दूसरी जगह से उठा के लाया हूँ, मतलब अपनी है, शिफ्ट करा है मैंने दूसरे खाने में, तो ये रोशनी में सुबह धूप होती है ना इधर, तो इसलिए मैं इनको अभी यहाँ शिफ्ट कर दिया क्योंकि सीज़न आ गया अंडा बच्चों का। तो कलर देख लें माशाल्लाह से, अच्छा सामने शेड पड़ रहा है धूप का तो कलर आपको इसे समझ में नहीं आएगा, मगर साइज़ देख लें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त साइज़ है। पीछे भी बैठे हैं, वो जूम करके दिखा देता हूँ। कलर देख लें मेल फीमेल, सीनियर डार्क एकदम मेल, कोई नया आदमी देखेगा तो वो बोलेगा यार दोनों मेल हैं, लेकिन ये मेल फीमेल है माशाल्लाह से। तो कलर आपने देख लिया है, साइज़ देख लिया कि साइज़ भी इससे अच्छा हो जाता है, साइज़ देख लिया आपने, कलर भी देख लिया। अब चलते हैं दाने की तरफ। तो मैं दाना बना हुआ नहीं है मेरे पास, मैं आपको पूरी क्वांटिटी के साथ और पूरे इसके साथ बताऊँगा, आगे पीछे नज़र माननी पड़ती है। अच्छा जी, तो मैं आपको कम से कम बताऊँगा कि कितने पेयर का होना चाहिए, कितने पेयर का नहीं होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए। क्वांटिटी तो मैंने आपको पहले बोल रहा कि किसी चीज़ की कोई क्वांटिटी नहीं है। हाँ कोई चीज़ कम खाती तो वो हम कम ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। हमें मालूम है मिसाल के तौर पर बाजरा है गोल्डन कम खाती है या नहीं भी खाती है तो हम कम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इस्तेमाल जरूर करेंगे, उस पर खिलाने का तरीका अलग है तो इंशाल्लाह बाजरा भी उठाएगी। तो बाहर निकलते हैं केज से, मास्टर केज से, तो आराम से बैठ करके मैं आपको दाना बताऊँ। कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी सारी दाना लिख दूँ ताकि कोई वहाँ से लिखना चाहे तो वहाँ से लिख ले, तो इससे एक अच्छा हो जाएगा आपके लिए। माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है, गर्म है, बादल भी आए हुए हैं, सूरज भी चमक रहा, सर के ऊपर ही चमक रहा, कांगिया भाई भी चमक रहा सूरज। अच्छा जी, तो मौसम अच्छा है, पतंगबाजी का भी आ गया है, पतंगबाजी उड़ा रहा है वो कबूतरबाज हमारा, वो देखो पतंग आ गई है, पतंगबाजी का भी टाइम आ गया है। अच्छा जी, तो यहाँ बैठ जाते हैं हम आराम से। तो हम अब आपको पूरा दाने की क्वांटिटी बताते हैं आपको किस तरह से आपने दाना लेना है, ठीक है? फिर इससे शुरू करता हूँ थोड़ा सा पीछे से, एक पियर हो या 10 पियर हो या 5 पियर हो, दाना आपने उतनी बनाना है, बनेगा तो नहीं। हाँ अब कोई ये बोलती यार मेरे पास तो एक पेयर है क्या बनाऊँ, अलकसी करे, तो वो अलग बात है भाई अलकसी करे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दाना। देखिए मिसाल के तौर पर एक पेयर है या 5 पेयर है तो आप ले लें बारीक वाली कंगनी आधा किलो, अच्छे से छान लें उसको, धूल मिट्टी साफ कर लें, आधा किलो बारीक कंगनी ले लें और उसके अंदर आप डाल दें आधा पाव से कम लाल वाली बारीक कंगनी डाल दें, ये दो मिक्स कर लिए आपने। अब आप अच्छे से अच्छा बाजरा ले लें, अच्छे से अच्छे बाजरे का मकसद ये है कि घिरे पेरिट ले लें या कमर मसानी ले लें, जितना अच्छा बाजरा आप ले सकते हैं ना उतना अच्छा बाजरा आप ले लें। अब इन दो, अब ये आधा किलो और आधा पाव से कम से 70-80 ग्राम हो जाएगा, आधा पाव 300-400 ग्राम हो जाएगा, तो आप इसके अंदर तकरीबन बाजरा ले लें 1 पाव के करीब,
एक पाव के करीब बाजरा ले लें आप, उसको आप ग्राइंडर कर लें। ग्राइंडर ऐसा करना है कि आपने इसको आटा नहीं करना है, जैसे दलिया होता है ना दलिया, हमको उस तरह से उसको बाजरे को बनाना है। सारा सामान उसी तरीके से बनेगा, बाजरे की तरह या दलिए की तरह। आपने ग्राइंडर कर लिया उस दाने को, उसके बाद आटे की छन्नी से या किसी ऐसे छन्नी से छान लें ताकि मोटा मोटा पड़ जाए और हमें बारीक बारीक दाना मिल जाए। आटा नहीं चाहिए हमें, मैं फिर बोल रहा हूँ आप तो आटा नहीं करेंगे, अगर आप ग्राइंडर कर रहे हैं तो आटा नहीं करेंगे, हमें दलिया टाइप चाहिए बाजरे को। तो हम वो बारीक बारीक जो दाने निकलेंगे ना, तो वो हम छान लें छन्नी से, और फिर जो बचा मोटा उसको एक दफ़ा और ग्राइंडर कर लें आप। जैसे कि यार माशाल्लाह से ये कबूतर ही आ जाता है छतों पे, कुछ घर का चावल वावल बच जाता है तो बाजरा हो जाए डाल दिया करें इन लोगों के लिए भी यार, तो माशाल्लाह दुआ हुआ मिल जाया करेगी। और क्या होगा, बस दिल के सुकून के लिए नेकी के उससे डाल दिया करें, सवाब की नीयत से डाल दिया करें। अब देखिए चावल पड़ा हुआ है, बेचारा जंगली कबूतर चावल खा रहा है, तो डाल दिया करें आप लोग अपनी छतों पर, पानी वानी रख दिया करें ताकि अच्छे से ये लोग भी जान है, ये भी जिंदा है, हम लोग भी परिंदे वाले हैं तो हमको भी एहसास है, डाल दिया करें दाना वाना। अच्छा जी, बाहर पेंगी कहीं चली गई, कबूतर आके बैठ गया था बेचारा। अच्छा, तुमको दलिए की तरह बाजरे को करना है, ये बाजरा ले लेंगे आप, फिर आप दलिया ले लेंगे गंदम का, गंदम का दलिया भी छान लेंगे आप अच्छे से छान लें, फिर उसको ग्राइंडर कर लें बारीक बारीक। हमें फिर बोल रहा हूँ बारीक बारीक दाना चाहिए, आटा नहीं करना है, बारीक बारीक दाना चाहिए हमें, हमको आटा नहीं करना है। तो ये हो जाएगा एक तो। अब आप इसको आप जब छान लेंगे सारी चीज़ें, तो इसके अंदर आप तिल लेंगे, सफ़ेद वाली तिल, एक पाव के करीब तिल ले लें आप। तिल को तो आप पूरा आटा कर दें, इसको तो पूरा पीस दें आप, बिल्कुल वो गूदा बन जाएगा तिल, जब आप ग्राइंडर करेंगे तो गूदा बन जाएगा तिल, उसको आप पूरा ग्राइंडर कर लें। और बाकी जो सामान आपने बाजरे को कूटा था, असल में बाजरा यूँ ग्राइंडर करवाया है मैंने, देखिए बाजरा खाती नहीं है, गोल्डन आराम से मोटा दाना होता है, वो चपता नहीं है, लेकिन जब हम तिल के साथ खिलाएंगे ना तो बाजरा उठा लेगी, लेकिन उठाने का मकसद ये हो जाएगा उसका ग्राइंडर करने का कि दाना उसके मुंह में आराम से जाएगा, वो आराम से निकल लेगी। अच्छा जी, तो इसके साथ साथ आपने इन तिल को पीस लेना, तिल तो आप पूरा पीस देंगे उस तक आप लेंगे ना गूदा बन जाएगा, इन सारी चीज़ों को मिला लें आप, और तिल को भी मिला के अपने हाथ से जो ना उसको अच्छे से मसल लें, क्योंकि तिल जो ना वो ढेला बन जाएगी पीसने के बाद। आप उसको अपने हाथ से इन चीज़ों को, दलिया, बाजरा, लाल बारीक कंगनी, सफ़ेद बारीक कंगनी और पिसा हुआ बाजरा यानी कुटा हुआ बाजरा कर लें, दलिया बाजरे का ले लें वो, और गंदुम का दलिया, इसको आप पीस जब बन जाएगा ना, इन सारी चीज़ों को साथ मिला कर के आखिरी में तिल उसके अंदर डालकर आप उसको बना कर रख लें। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी अगर आप ऐड करना चाहें, जैसे अलसी अगर आपकी खाती है तो अलसी डाल दें, लेकिन अलसी आप किसी किसी गोल्डन खाती है, मेरी गोल्डन खा लेती है, तो नहीं डालें, पहले आप ये चेक कर लें कि हाँ भाई हमारी गोल्डन अगर ये खा रही है तो नेक्स्ट टाइम जब बनाए तो उसमें अलसी भी डाल दिया करें, ताकत के लिए अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, ये डालने के बाद देना किस तरीके से है, अब ये शाम को 4 बजे 5 बजे खाना अपना खा लेते हैं, रात का मगरिब तक, मगरिब असर के बाद से ये बस खा लेते हैं, असर से पहले पहले ये सारा अपना निपटा लेते हैं, असर के बाद से इनका चकना मकना लगा रहता है। तो आप अगर फुल टाइम काम कर रहे हैं तो आप मगरिब से पहले दाने को निकाल दें और सुबह रख दें आप 10-11 बजे। अगर आप ऑफिस वाले हैं तो आप दाना जल्दी निकालें ताकि सुबह जब इनको भूख लगेगी ना, जब आप इनको 9 बजे या 8 बजे या 7 बजे जब ये आप दाना रखेंगे, सिर्फ ये रखना है आपने और कुछ नहीं रखना, तो आप ये रख देंगे तो इंशाल्लाह देखना 1 दिन 2 दिन अगर नहीं खाया तो ये खाएंगे। अच्छा, रखने का मकसद ये नहीं कि आपने रख दिया, या ऐसा कर लें मगरिब असर के टाइम भी दाना रख दें आप, और सुबह जिस टाइम भी आप दाना पानी करते हैं इस दाने को निकाल लें, या पंगनी रख दें शादी, अगले दिन भी शाम को तकरीबन 5 बजे या मगरिब से पहले पहले अपनी कंगनी निकाली और ये जो आपने दाना बनाया है इसको आप रख दें वहाँ पर, ताकि इससे ये होगा कि शाम का दाना वो थोड़ा सा खाएगी, सुबह जब खाती है ना सुबह फजर में या 7 बजे से रोशनी के टाइम, तो ये आपका ये वाला बना हुआ दाना पिक करेगी करेगी, और इसके कुछ ही दिन के बाद 10-12-20 दिन के बाद इंशाल्लाह आप देखिएगा अल्लाह के हुक्म से फ़ायदा भी होगा और अंडे भी आएंगे, अंडे फंसेंगे भी नहीं गोल्डन के, और बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलेगा। तो बताने का मकसद ये था आपको कि सारी चीज़ें आप कूट लेंगे या आप इसको पीस लेंगे ग्राइंडर के अंदर, लेकिन करना है दलिया, क्योंकि बता रहा हूँ आटा नहीं होना चाहिए,
आटा हो भी गया तो बहुत मुश्किल आएगी पिक नहीं करेंगे। बाजरे के बाजरे भी अगर कूटा कूटा होगा ना दानेदार, तो आराम से ये तिल जब आप मिक्स करेंगे तिल तो उठा लेगी। और जिनकी अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा सारी चीज़ें क्वांटिटी के साथ, इतनी उतनी लेकर के आप ग्रेंडर कर लें उसको अच्छे से और बना लें। अगर ये फार्मूला किसी को पहले से मालूम है, क्योंकि हमने कई लोगों को बताया हुआ है अपनी ज़िंदगी के अंदर, जब हमें 2002 में इस चीज़ आई थी हमारे हाथ में, इस फार्मूले को इस्तेमाल किया और आज तक के कर रहा हूँ, आगे भी कुछ लोगों को बताया, उन लोगों ने भी किया, उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ। अभी एक अब तो यूट्यूब का दौर है, हर आदमी को अपना चैनल चमकाना है, तो हमने भी आपको बता दिया। इस तरह से आप करें और कमेंट बॉक्स में हाथ के हाथ नहीं, कम से कम महीने भर के बाद जो ये दाना इस्तेमाल करता है बनाता है क्या रिजल्ट मिला है उसको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यार उमेर भाई फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। देखो नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता, सारी चीज़ें वही हैं। देने का तरीका अलग है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि देने का तरीका अलग है, चीज़ें आपकी सारी वही रहेंगी, बस देने का तरीका अलग है। इस तरह से आप देंगे तो इंशाल्लाह आप महीने भर के अंदर, आपके अगर ब्रीडर पियर है या अड्डे फंस रहे हैं उसके अंदर, तो इंशाल्लाह ये आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएगी और आप बोलेंगे हाँ यार कुछ फार्मूला दिया है उमेर भाई ने। तो चले अगर फार्मूला अच्छा लगे और किसी को ये पहले से मालूम था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि भाई ये तो हम इस्तेमाल करते हैं या हमें मालूम था पहले से, तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।